सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, उसका हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिस्पर्जन, उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 और 15 मार्क्स में आपको पूछा गया है। तो हम ये देखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो हमें कैसे उसे करना है। इससे पहले हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है या फिर किस किस टाइप के पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां जाके देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कि आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो नहीं देखा तो देख लेना। एंड हमने इसके थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 मेल वर्कर्स जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनके डेली वेजेस का, वो आपको 63 रुपीज एंड 9 रुपीज दे रखा है। एंड ग्रुप ऑफ 40 फीमेल्स वर्कर का जो ये कह सकते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, ₹54 और ₹6। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कंबाइंड ग्रुप का 90 वर्कर्स का। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको दो ग्रुप दे रखे हैं और आपसे कंबाइंड पूछा है तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो आपको दोनों ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो मेल है उनकी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी थी और यहाँ पे हमें फीमेल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हमने लिख लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना है जो कि आपने अभी तक अगर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको लर्न हो गया होगा। तो कंबाइंड मीन में क्या होता है, मीन का ये फॉर्मूला होता है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, एन दे रखी है और मीन की भी दे रखी है। तो आप क्या है ग्रुप वन और ग्रुप टू की इन्फॉर्मेशन यहां डाल सकते हो और दोनों के एन को क्या है प्लस कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर कितने लोगों के क्या है डेली वेजेस आपने काउंट किया है। तो यहां पे फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, सब दे रखे हैं आपको और आपका इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कंबाइंड, तो उसके लिए आपको डी चाहिए होता है, दोनों ग्रुप का डी चाहिए होगा। तो कैसे हम दोनों ग्रुप का निकालते हैं, तो कंबाइंड मीन में से उस ग्रुप के पर्टिकुलर मीन को माइनस करके, कंबाइंड मीन में से उस ग्रुप के पर्टिकुलर मीन को माइनस करके आपके क्या है दोनों ग्रुप के डी निकल जाएंगे। तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, तो दोनों ग्रुप के डी आपको निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या किया है, वो जो कंबाइंड मीन आया था उसमें से क्या है उनके ग्रुप के पर्टिकुलर मीन को माइनस किया है, तो आपके दोनों निकल जाएगा। अब आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ना बेसिकली इस चैप्टर में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड मीन है ना जो उसके फॉर्मूले होने चाहिए लर्न, बिकॉज इसी पैटर्न से क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का यही फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर हमसे एग्जाम में कौन से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वैल्यूज आपको सारी दे रखी हैं, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है और क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको क्या है दे रखा था हर एक ग्रुप का, दोनों ग्रुप का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लगा सकते हो, आप निकाल रहे हो यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था हर एक ग्रुप का। तो आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास कैलकुलेटर है, आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करोगे सारा का सारा, उसके बाद क्या आप इसको रूट को हटा के, ये जैसे 81 है 81 किसका होता है 9 का, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो आपने देख लिया कि आपने कंबाइंड मीन भी निकाल लिया और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 15 और 5 मार्क्स में, तो आ जाए तो ऐसे करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर समझ आया, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना, इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे विजिट कर लेना बिकॉज वहां पे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड किए हुए हैं, तो वो भी बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।